एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर और रेप के आरोप में आज पूरे दिन कोलकाता की सड़कों पर हंगामा होता रहा। पश्चिम बंगाल के सीएम के ऑफिस नवन्ना भवन की ओर कूच कर रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स को रोकने के लिए 6,000 पुलिस वालों की फोर्स उतारी गई थी। हाल ये था कि हावड़ा ब्रिज बंद किया, 7 रास्तों पर बैरिकेडिंग के साथ 26 DCP लगाए, लोहे की दीवार खड़ी की, धारा 163 लगाई, यानी कुल मिलाकर एक आंदोलन को रोकने की हर संभव कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद भी नवन्ना चलो मार्च को रोकने में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पानी की बौछार करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले, यानी सब कुछ करना पड़ा। रैली दोपहर करीब 1:15 शुरू हुई लेकिन नवन्ना तक पहुंच नहीं पाई। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेडिंग रही। कई रास्तों को बंद किया, ड्रोन से निगरानी की गई। छात्रों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन चलाई गई। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, कई छात्रों को हिरासत में लेना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस सांसद सयानी घोष ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दिया। उन्होंने कहा यह बिल्कुल गुंडों जैसा था, इसमें मुश्किल से ही कोई महिला नजर आ रही थी। नवन्ना दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का स्थायी सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर आजकल बैठते हैं। राइटर्स बिल्डिंग जो सचिवालय है वहां रेनोवेशन काम चल रहा है। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज, हेस्टिंग्स और नवन्ना प्रदर्शन के सेंटर थे आज। अब यह आंदोलन इतना भड़क गया है कि ममता सरकार को हटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने आज पुलिस आक्रामकता के विरोध में कल बंगाल बंद का ऐलान किया है, जिसको ममता सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या रेप मर्डर को लेकर आम जनता सड़कों पर उतर आई है या ये केवल सियासी आंदोलन है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। जस्टिस मिलना चाहिए मुख्यमंत्री को। आप हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है, और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे? क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। हम वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, दफा एक, दाबी एक, ममतार पदत्याग। और एक बात कहना चाहती हूँ, एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र समाज है उन्होंने ये आंदोलन का डाक दिया है, लेकिन ये आंदोलन में हर समाज का, पश्चिम बंगाल का हर संप्रदाय का लोग है, शिक्षक है, छात्र है, महिला है, भाई है, दादा है, सब लोग है इसी ये आंदोलन में। इसलिए कहना चाहती हूँ, ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है, इसमें अगर कोई संतोष, कोई भी कुछ करना चाहे तो हमारा ये आंदोलन यहाँ पे नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन का जो मेन मुद्दा है वह है दफा एक, दाबी एक, ममतार पद। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक ही चीज करेंगे। हम लोग का जो दाबी है इसके लिए हम लोग अभी रास्ते पे, आप लोग देखे पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग हर कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था, स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है जो हम लोग कर रहे हैं। और पुलिस हम लोग को मार रहा है, टियर गैस छोड़ रहा है, ये कहाँ करना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। उस दिन अगर पुलिस फोर्स ने जब आरजीकर में तोड़फोड़ हुआ था, अगर उस टाइम में अगर बैरिकेड लगाता, ये जल कमान, ये सब लगता, तो आ...
साथ शायद तिलक तवा का विचार हो जाते थे, लेकिन ये लोग जो विचार के लिए रास्ते के ऊपर आया, छात्र समाज ने आया, उसका अभिभावक ने रास्ते के ऊपर आया, आम जनता ने उसके बुलाने में जनता ने रास्ते के ऊपर आया, उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बहुत ही शर्म का बात है, ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होके महिला को तो विचार नहीं दे पाते है, लेकिन छात्र समाज के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, चलेगा विचार जब तक नहीं मिलने लगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग विचार कि आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो और आज हम छोटी सी डिमांड लेकर लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए, स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है, पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था करी है। हम लाल बाजार चले जाते तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रोक के हमें बाध्य किया गया कि यहाँ पे बैठने के लिए, इससे जनता को तकलीफ हो रही है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि आप स्टूडेंट, जिस तरह से आज कोलकाता की सड़कों पे हंगामा हुआ, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह पुलिस ने कोलकाता की सड़कों को किले में तब्दील कर दिया था और जो छात्र प्रदर्शन करने उतरे थे उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और यहीं पर जंग का मैदान बन गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इसको लेकर बीजेपी ने कल बंद का ऐलान किया है। आखिरकार किस तरह से इतना बड़ा, कोलकाता में आपको याद होगा 8 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजी कार अस्पताल में एक रेप एंड मर्डर की वारदात होती है जो इतनी बीभत्स वारदात है कि पूरा देश हिल जाता है। उसको लेकर लगातार तब से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और ममता सरकार अब उसको कुचलने पर आमादा हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टीएमसी के नेता हैं नरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र कुमार जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल हैं, छात्रों का प्रदर्शन था और आखिरकार पूरा देश जो कोलकाता में घटना हुई है उससे दुखी है, परेशान है। जब ऐसी वारदात दिल्ली में होती है तो पूरा तब प्रदर्शन होता है तो आप लोग पूरा उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आज कोलकाता में हो रही है तो आप लोगों ने किला में तब्दील कर दिया, पूरे कोलकाता को आंसू गैस छोड़ रहे हैं और दीवार खड़े कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसा लोकतंत्र है, क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? बिल्कुल, देखिए जो घटना हुई है उस घटना को हम लोगों ने और सरकार ने संज्ञान में लिया है, जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है उसके लिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी जाके लोगों से संवाद कर रहे हैं, किसी हालत में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं दिया जाएगा, तो स्थिति कंट्रोल में की जा रही है और जो इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन नरेंद्र कुमार जी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं मानते? इतने कैजुअल तरीके से आपने कह दिया कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्या जनता को सड़क पर उतरने का अधिकार नहीं है? जब दिल्ली में प्रदर्शन होता है, जब किसान आंदोलन होता है, जब दिल्ली में बाकी कांड होते हैं तो आप लोग बढ़ चढ़ के प्रदर्शन करते हैं, ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, आप गठबंधन के लोग आगे आते हैं, और आज जब आपके राज्य में हो रहा है तो आपको लगता है कि इतनी आसानी सब कुछ कह देने से काम चल जाएगा? के चैनल के माध्यम से मैंने जैसा कि कहा कि जो लोगों ने लापरवाही बरती है, जहां भी चूक हुई है उनके खिलाफ जांच कराई जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र कुमार जी, सब कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है, लाठियां चाही जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कब इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? आपने तो सरकार ने करवाया ये, अब कार्रवाई किस पे करेंगे आप? 26 डीसीपी तैनात थे, 7 जगह आपने रास्ते रोके और आपने हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह किले में तब्दील कर दिया,
ये सब तैयारी पहले से की गई थी, अब क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? जवाब तो आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है, जो भी अराजकता और किया है जिन्होंने और जिन अधिकारियों की लापरवाही होगी उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। प्रयास है कि हालात को काबू किया जाए और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं हालात सामान्य हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अश्विनी शाही जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट है और सरकार को अस्थिर करने की आप लोगों की चाल है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, इतना सब देखने के बाद देश आज सुबह से कोई भी ऐसा चैनल नहीं बचा है जिसने इन चीजों को लाइव न चलाया हो। ये जो एक हमारी बहन जो जिसके साथ जो अभया थी, जिसके साथ कांड हुआ और वो मानने को तैयार नहीं थी रेपिस्टों को बचाने के लिए, अधिकारियों को बचाने के लिए, ये ममता बनर्जी जी का फैलाया हुआ जाल है। अपने पुलिस से वो पिटवा रही हैं निहत्ते और बेकसूर छात्रों को। हम लोग उसमें कहाँ है, हम लोगों का प्रदर्शन कल है, लेकिन ममता बनर्जी जी को नैतिकता तो है नहीं कि वो इस्तीफा दें, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए इस तानाशाही के लिए। इतना भयानक कांड हो गया, बयान दे रही है सीबीआई, मंगलवार तक फांसी दे दे, सोमवार तक फांसी दे दे, और उनके उन्हीं के करीबियों का नाम निकल रहा है, उस प्रधानाचार्य को तुरंत पोस्टिंग देना, ये घटना पूरे देश में विरोध हो रहा है। ये तो कहिए सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, पूरे देश के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ली, लेकिन क्या किसी को विरोध प्रदर्शन करने का भी एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं? सारे निहत्थे थे, पक्षी लिए हुए थे, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर की गोलियां भी मारी हैं। किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, लोकतांत्रिक तरीके से उसको, हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, किया गया वहां, लेकिन उनको परमिशन दी गई, लाल किले तक पहुंच गए भाई लोग, और वहां पर उपद्रव जो मचाया वहां पर क्या हुआ उसका, लेकिन हमने परमिशन दी, ये रास्ता है, आईटीओ तक जाने की परमिशन दी, कहीं पर उनको दमन नहीं किया गया। पुलिस वाले घायल हुए वहां पर कितने, दमन नहीं किया गया, लेकिन यहां तो देखिए किस तरीके से दमन किया गया है। जो निहत्थे छात्र हैं उनका क्या कसूर था? आप अपने प्रदेश में छात्रों को मारेंगी, चुनाव के बाद की हिंसा को ममता जी नहीं मानेंगी, उसके मानवाधिकार के जजों को मारना वो ममता जी नहीं मानेंगी, संदेश खाली ममता जी नहीं मानेंगी, उनके मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे ममता जी नहीं मानेंगी, और जो प्रवक्ता उनका बोल दिया उसको दूसरे दिन पार्टी से निकाल दिया। ये देखिए, ये ममता जी की माया है जो आज पूरे बंगाल को नहीं पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा है। आज ममता जी को मैं फिर से कहता हूं, भाजपा का कल बंद है, वहां आप लाठी चलवाइए, गोली चलवाइए, राजनीतिक दल हैं, हम विरोध करेंगे, लेकिन आज का जो प्रदर्शन था वो छात्रों का प्रदर्शन था, और निहत्थे छात्रों पर आपने जो दमनकारी नीति तानाशाही किया है, आप इसके लिए इस्तीफा दीजिए। ठीक है, ठीक है। सामिना जायसवाल जी, आपका इंडिया गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की पार्टी है टीएमसी, और हालांकि आप लोगों ने इसका विरोध किया था, और आज जो है अधीर रंजन चौधरी भी काफी कई बार बोलते नजर आए, लेकिन जिस तरह से दमन किया गया आप लोगों ने उस पर कुछ नहीं बोला। अगर यही काम जब किसान आंदोलन में दिल्ली में होता था, जब अंबाला के बॉर्डर पर होता था, तो आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के रोज बयान जारी करते थे, आज ये सरकार ने ये कर दिया सरकार ने। आज आप लोग जब स्टूडेंट निकले हुए हैं सड़कों पे और वहां पर एक मांग की जा रही है, इंसाफ की मांग, तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए नवीन भाई, जिसके घर कांच के हों तो वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते, तो जो आंदोलन करवा रहे हैं करने के लिए कल तैयारी कर रहे हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए। मणिपुर घटना हुआ, आज तक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए? उत्तर प्रदेश में घटना हुआ, आज तक प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए? बिहार में घटना हुआ, आज तक क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए? राजस्थान में घटना हुआ, आज तक क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए? तो ये राजनीति ध्रुवीकरण एक प्रदेश में ठीक है, उनके गलती के लिए सजा, और जो गलती किया सीबीआई, सुनिए नवीन भाई, जो गलती किया सीबीआई, जांच चल रहा है, केंद्र शासित केंद्र का जांच चल रहा है, सीबीआई जांच में इंटरफेयर किसी की औकात नहीं कर सकता है। और उसके बाद आप मणिपुर में कह रहे सीबीआई जांच कराए, और मणिपुर का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं अपना इस्तीफा दिया?
जहां नग्न करके बहनों को घुमाया गया, एक आर्मी के जवान की बीवी को, और कितना 2 साल से मणिपुर जल रहा है, और इस तरह का घटना। सामिना जायसवाल जी, ये एक घटना होती है, हर बार आप लोग जो है दो घटनाओं की तुलना कर देते हैं, वो उसकी भी आलोचना की जानी चाहिए, इसकी भी की जानी चाहिए। करने की बात है, आप पर पड़े तो आप राम राम करोगे, दूसरे पर करे पर दूसरे पर अटैक करोगे। आपके प्रदेश में जो हो रहा है घटना, उसमें क्यों छाप देते हो? उत्तर प्रदेश निरंतर एनसीआरबी के रिपोर्ट में भारत का सबसे ज्यादा रेपिस्ट और सबसे ज्यादा, जहां से हमारे शाही जाते हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, आज रिकॉर्ड तोड़ दिया उत्तर प्रदेश बहन बेटियों के दुराचार और उनके छेड़खानी मामलों में, जिस तरह से पर्दा डालने की बात ये कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लाइन एंड ऑर्डर मजबूत है, लेकिन बहन बेटियों को जो अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी डंका पीटते, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाना वहां बेटियों को मुश्किल पड़ जाता, चाहे बनारस की घटना हो, लखनऊ की घटना हो, सोनभद्र की घटना हो, सेंगर का घटना हो, चिन्मयानंद की घटना हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का घटना हो, विजय गौड़ की घटना हो, तो ये भी घटना में आता है। इसके लिए भी प्रोटेस्ट भाजपा को करना चाहिए कि आईटी के नेता इनके जाके आईआईटी के छात्रा को गन पॉइंट पे रेप बनारस में करते हैं बीएचयू के अंदर, तो उस पे नहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए। स्वामीनाथ जी, बीजेपी कह रही है हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, आम आदमी का आंदोलन है, वहाँ के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। देखिए कल भाजपा का दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चलाने का काम भाजपा का चल रहा है। भाजपा देश को अमन चैन महंगाई और उत्पीड़न जो हो रहा है, भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी नारा देते हैं, और उनके राज्यों का उठा के आंकड़ा अभी देख लीजिए, जहां सरकार है वहां बेटियों के साथ मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और राजस्थान हो, ये आंकड़ा उठाकर देख लीजिए इनके प्रदेशों का क्या। स्वामीनाथ जी, लेकिन वहां पर स्वामीनाथ जी पूरा देश घुमा दिया आप, सबकी बात कर लिया आप, कोलकाता जहां पूरे दिन आज बवाल हुआ वहां के बारे में दो शब्द नहीं बोल रहे आप, आखिरकार कुछ तो कांग्रेस का स्टैंड होगा। अरे आज तो कुछ बोले नहीं, आज की बात पूछ रहा हूं मैं, आज जो वाटर कैनन चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, किले में तब्दील किया गया। नवीन भाई ऐसा है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टेट, पूरे मेडिकल के बच्चे दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कल भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो जब सीबीआई जांच चल रहा है, सीबीआई जांच में कल अगर कोई कोताही बरतता, कोई इंटरफेयर करता, उस सरकार को दंडित करके राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो जब जांच हो रहा है, सीबीआई जांच दे दिया गया, काम चल रहा है, जो जो इसमें शामिल है उनको उठा के उनको सजाए मौत दिया जाए, हम भी मांग करते हैं कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इस तरह का बहन बेटियों के साथ जो भी करता है। अश्विनी साई जी ठीक है, ठीक है अश्विनी साई जी, पार्टी के बाहर ठीक है अश्विनी साई जी, साफ साफ बोल रहे हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था वहां बिगाड़ना चाहते हैं, उसके बाद राष्ट्र पे शासन लगाएंगे, आप लोग जो है आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, कानून व्यवस्था 770 जो बता रहे थे, क्या लगाएंगे राष्ट्र पे शासन, कह रहे ममता सरकार को हटाने की साजिश कर रहे हैं आप लोग, राष्ट्र पे शासन लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। पांडे जी स्वामीनाथ जी देखिए, इनका कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी दिन भर पानी पी पी कर ममता बनर्जी को गाली देते हैं, लेकिन ये लोग जो है ममता बनर्जी जी के इस तानाशाही में साथ दे रहे हैं, यानी कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी का ये मोदी जी का तानाशाही चल रहा है पूरे देश में। राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे ज्यादा दुरुपयोग 100 बार के आसपास कांग्रेस का रहा है। राम मंदिर के समय उत्तर प्रदेश में राम बाबरी मस्जिद का वो घटना हुई, हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त हो गई, मध्य प्रदेश की क्यों बर्खास्त हो गई, राजस्थान की क्यों बर्खास्त हो गई, 4 सरकारें बर्खास्त कर दी इन लोगों ने, तानाशाह तो ये थे। और कह रहे हैं स्वामी प्रसाद जी, स्वामी जायसवाल जी, कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। अरे भाई आपका कौन सा बना है, कितना मजबूत शीशे का बना लिया आपने, लोग आप पत्थर चलाते रहते हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी इस समय माचिस लेकर पूरे देश में चल रहे हैं, हर जगह जाति की जनगणना आप अपने प्रदेशों में नहीं कराएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जमीन दे देंगे, गरीबों के पैसे पर जो है आप मर्सिडीज और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी खरीदेंगे। बंगाल की घटना पर जो देश का मुद्दा है इस समय उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर तुलना करेंगे। मैं कहता हूँ जिस भी प्रदेश में
जहाँ अभी किसी माता बहने के साथ बलात्कार हुआ है, आप राजस्थान मुद्दा नहीं है, देश के कानून बना दिए होते, फांसी दे दिया, बहन बेटियों के साथ हो रहा है। आपने कानून नहीं बनाया, कानून हम लोगों ने सुधार किया और अब जो है तेजी से उस पर काम हो रहा है। इसलिए कानून का उपयोग आपके लिए बलात्कार करके कर रहा है, साबित हो या न हो इसमें मुगालते में मत रहिएगा। लेकिन आप लोग आज ममता बनर्जी जी के साथ खड़े होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, इसका मतलब कि देश की एक बेटी उसके साथ आप लोग नहीं है, क्योंकि आपके एनडीए के साथी वो इंडिया के साथी यहाँ पर जो है मुजीब जो अयोध्या में कांड हुआ देश की बेटी नहीं थी क्या, जांच कराने की बात कर रहे हैं, छात्रा के साथ मुजीब का कुछ नहीं कर रहे हैं, देश की बेटी नहीं थी क्या, लड़की हूँ लड़कियों से गलती हो जाती है, यहाँ पर मणिपुर में नंगा घुमा के उनके साथ जो हुआ वो देश की बेटी नहीं थी क्या। हेलो सर, मानी चाहिए ऐसी बात कहते हुए आपने। हेलो जी, आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं तीनों प्रवक्ताओं की बातें, आज ही घटना पे बोलने को तैयार नहीं है और सारी बातों को एक दूसरे के राज्यों की बातों को तुलना करके एक दूसरे को दोषी साबित करने पे तुले देते हैं। यही राजनीति है जो है महिला सुरक्षा के नाम पर साफ समझ में आता है कि केवल राजनीति हो रही है। जी नमस्कार, जी नमस्कार, देखिए एक बड़ी अफसोस की बात है और मैं तो विशेष रूप से स्वामीनाथ से कहूंगा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार पार्टी के प्रवक्ता स्वयं नरेंद्र जी ने भी नहीं डिफेंड करने की कोशिश की, उससे कहीं आगे बढ़कर आप डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं, यही कारण है स्वामीनाथ की कभी विचार करने का, जो कांग्रेस सत्ता में थी लगभग 3 दशकों तक आजादी के बाद पश्चिम बंगाल, आज कांग्रेस के पास 1 या 2 सीटें विधानसभा में वहां पर हैं और अभी हाल में संपन्न हुए लोकसभा में 1 सीट। तो देखिए मित्रता का निर्वाह करना, गठबंधन धर्म का निर्वाह करना और वास्तविकता पे बात करना हमेशा ये दो चीजें, मुझे कोई दो राय नहीं है कि ऐसी घटनाएं देश के कई राज्यों में हुई हैं, पहले भी हुई हैं और अभी भी हो रही है इस घटना के दौरान भी, लेकिन इसके चलते किसी एक जगह की घटना की संवेदनशीलता को कम करके आंकना या उसको कमतर बताना या उसको ढकने की कोशिश करना कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता है। और किसी भी सभ्य समाज में एक चिकित्सक, वो भी महिला चिकित्सक है, जो रात की ड्यूटी में अकेले थी, न सिर्फ उसके साथ इस तरह से गंदगी की गई बल्कि उसकी जिस तरह से अमानवीय तरीके से हत्या की गई और वर्क प्लेस पे की गई जहां पे वो मरीजों की जान की रक्षा के लिए, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे जो लोग भी विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके साथ इस तरह का पुलिस का बर्ताव और इस बर्ताव के भी पक्ष में अपने धर्म के निर्वाह के नाम पे लोगों का खड़ा होना ये कहीं से भी उचित नहीं है नवीन जी, बिल्कुल। और मुख्य बात ये है कि देखिए जब इस तरह की बातें इस घटनाक्रम समाज में आती हैं तो सभी को एकजुट होकर के उसकी निंदा करनी चाहिए और उसके समाधान के क्या रास्ते हैं इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ आपने नवीन जी देखा कि जिस दिन ये घटना सामने आई उसके बाद किस तरह से स्वयं राज्य की मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, जिस तौर पर जिन तीनों जिम्मेदारियों के तौर पर ममता जी की पूरी स्वयं जिम्मेदारी थी इस घटना के रोकने की और घटना के लिप्त लोगों को पकड़ने की, सजा दिलाने की, वो धरना प्रदर्शन पे उतारू हो गई और उसके बाद भी उनके बचाव में अगर लोग बात करते हैं तो यह बिल्कुल ही निंदनीय और शर्मसार करने वाली बात है। जहां तक इस मामले में धरना प्रदर्शन की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर नवीन जी ये मानता हूं कि विरोध प्रदर्शन जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है इस घटना में शामिल लोगों को न्याय के तहत उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना। लेकिन इस देश में दामिनी कांड, अभया कांड जो दिल्ली का हुआ था उसके बाद भी अभी भी तमाम बलात्कार के और इस तरह से महिला उत्पीड़न की घटनाओं में 8 साल 10 साल बाद जजमेंट आ रहा है, इस पर क्या कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल,
इस मुद्दे पर इस बात पर बात करने के बजाय आपके यहां भी हुआ आप कभी उस पर पर्दा डालते हैं, कभी हम पर्दा डालते हैं। ये बात समाज में सियासी दल जो है हर घटना को एक दूसरे के राज्यों से जोड़ के उसकी जो अहमियत खत्म कर देते हैं। अहमियत खत्म। आज के आंदोलन के बारे में कांग्रेस को बोलना चाहिए। मैं ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो फिर सवाल पूछूंगा। इसी पर जब तक जवाब नहीं मिलेगा पूछते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है दोगुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपूर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा हरिद्वार रुड़की सीतापुर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं
टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं दिन भर कोलकाता में आज जिस तरह से हंगामा होता रहा, स्टूडेंट जो आंदोलन करने सड़कों पर उतरे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पूरे कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया गया। लगातार ममता सरकार के इस्तीफे की मांग हो रही है। जिस तरह से रेप और मर्डर की घटना 8 अगस्त की रात को हुई थी कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, उसको लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। तमाम खुलासे रोज नए हो रहे हैं। एक और खुलासा आज हुआ कि आखिरकार आरोपी के पास जो बाइक मिली, जिस बाइक को वो चलाता था, वो वहां के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस खुलासे ने हैरान कर दिया। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और चलते हैं। अश्विनी शाही जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, इंदुकांत दीक्षित साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और नरेंद्र कुमार जी हैं टीएमसी के नेता। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, बंगाल का मामला बहुत ही भयानक मोड़ पहुंच गया, जनता सड़कों पर उतर चुकी है। वहां पर जो खुलासा आज हुआ है, जो आरोपी था उसकी जो बाइक थी, जिस बाइक को चलाता था, वो वहां के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस की सफाई है कि सारी जो बाइक जो है सीज होती है वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर करवा दी जाती हैं, लेकिन वो आरोपी के पास इसलिए क्यों आ गई, उसी बाइक के दम पर लोग उससे डरते थे क्योंकि उसमें पुलिस लिखा हुआ था, और आखिरकार अगर कोई दबंग पुलिस का नाम लेकर अगर सड़कों पर उतरेगा तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। यही एक बहुत बड़ी चूक थी। ऐसी तमाम चूक हैं, वहां के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको इतना पावर दिया गया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग ममता सरकार को समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए नवीन पांडे जी, कम करने की बात नहीं है, न्याय और जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है पूरे देश में, मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरे देश में जिस तरह से घटना घट रही है, जिस भी बेटियों के साथ घट रही है, इस दुराचारियों को सीधे स्वामीनाथ जी पहले बंगाल में तो बात कर लीजिए, पूरे देश में कर लेंगे। उस घटना में जब होगी तो वहां की बात करेंगे, आज जो घटना हुई उस पर बात करें ना पहले। देश भी तो है, जिस तरह से बंगाल देश है वैसे हर देश में देश है। और जो पानी की बौछार की गई, जो लाठी चार्ज किया गया, जो आंसू गैस, उस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? उठा के फांसी चढ़ाइए, उसके साथ साथ सेंगर को भी फांसी चढ़ाइए, चिन्मया नंद को और विजय गोड़ को और बनारस के आईटी के वो नेता थे जो, उनको भी फांसी चलाइए। क्यों रोक के रखेंगे? और वहां के मुख्यमंत्री को क्यों मलाई चखा रहे हैं मणिपुर का? उसको भी फांसी चढ़ाइए कि उसके राज्य में नंगे करके बहन बेटियों को घुमाया जा रहा है 2 साल से मणिपुर जिस तरह से असुरक्षित है। क्यों नहीं उस पर बात होना चाहिए? यहाँ सीबीआई जांच कर रही है, कर रहे हो बोलते सीबीआई जांच के बीच कोई अड़चन आ रही है, बंद कर देना चाहिए। जो भी जांच व्यवस्था के तहत बीच में छेड़खानी करता है, जो जो संबंध इस कार से है, जो जो भी लिप्त है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो कैजुअल बयान हो गया स्वामीनाथ जी, ये तो कैजुअल बयान हो गया। ये तो आप जो सरकार की जो कमियां थी, जो जिस तरह से वहां पुलिस की बाइक मिली है, वो सब बातों पे आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए जांच करने पर हर जगह कमियां मिलती है, बहुत सारा कमियां मिलती है, लेकिन किस तरह से लीपा पोती किया जाता है? आप कहेंगे कि दूसरे राज्य पे चले जाते हो। अजय कुमार टेनी को मंत्री बना के रखा गया था, उसका बेटा गाड़ी चढ़ाया था किसानों पर, क्या उसको सजा मिली? अजय कुमार टेनी से इस्तीफा लिया गया, जो सरकार खुद गोद में बैठा के 60 दिन तक वो गर्म पॉइंट पे बनारस जहां से सांसद प्रधानमंत्री है, वहां बेटी को, पढ़ने वाली बेटी को, आईआईटी के छात्रा को 3 लोग रेप करते हैं। इनके जो चेहरा चमकाते हैं भाजपा के नेता, विजय गोड़ एक नाबालिग बेटी को रेप करता है सोनभद्र का एमएलए, चिन्मया नंद और सेंगर को आप जान ही रहे हैं रेप करके जला देता है एमपी, मिलने जाते हैं उससे जेल में, अभी भी उसको खातिरदारी में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग को सजाए मौत और फांसी चढ़ना चाहिए। ये बंगाल का घटना बहुत दयनीय है, उसका मैं निंदा करता हूँ। ममता बनर्जी जी को पूरा सहयोग कर जो जो लिप्त है उनको, चाहे कोई हो कितना पावरफुल हो, उसको सजा देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और प्रोटेस्ट, भाजपा जिस तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए तैयारी कर रही है, तो उनके हर जिसका खुद
छननी क्षेत्र जो इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, अभी देखिए किसान को रेपिस्ट बना दी कंगना रनौत आकर, किसारे की किसानों का रेप करते थे और मर्डर सब बात करेंगे आप जो है आज ही घटना में बात नहीं करेंगे स्वामीनाथ जी, साफ समझ में आ गया है जो आज ही घटना में बात नहीं करेंगे आप, आज जो कुछ हुआ कुछ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अरे आज के घटना में कितना देर से बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ कि क्या आप क्या बोलू, गाली दूं मैं, यही बोलना है ना कि उसके जो जो लिप्त है उनको ममता बनर्जी को सहयोग करते हुए उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए और ऐसे लोगों को जो इसमें संलग्न है किसी को बकसना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम लोग इस तरह का चेहरा नहीं देखना चाहते। ठीक है अश्विनी शाही जी, वो कह रहे हैं सीबीआई आपके हाथ में है, सीबीआई जांच कर रही है, अब सड़कों पर उतर के क्या होगा, क्या कर लेंगे आप लोग, जांच करिए और आरोपी कटघरे में लाइए। अच्छी बात है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ नवीन जी, हमारे स्वामीनाथ भाई बड़े आंदोलित हैं, लेकिन जितनी घटनाएं इन्होंने गिनाया अगर वो गलत हैं, तो क्या बंगाल की घटना को ये सही ठहरा रहे हैं, यही तो सवाल है। दूसरी बात और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक घटना हुई, ममता बनर्जी जी का प्रतिनिधि मंडल आ गया हाथरस, कांग्रेस के भाई बहन किस तरीके से हंसी ठिठोली करते हुए आ रहे थे, समाजवादी पार्टी और कौन कौन सब पहुंचे थे, वहां कौन गया, आज यहां बैठ के कह रहे हैं कि वहां हुआ ये हुआ चिन्मयानंद हाथरस ये सब गिनवा दिया इन्होंने मणिपुर, लेकिन एक बार भी भर्त्सना नहीं की, न इन्होंने की न इनके भर्त्सना कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने से बच रहे हैं। अरे तो वही तो ममता सरकार से मांगे ना इस्तीफा, इन्होंने है हिम्मत तो मांगे, ये इनको कहना पड़ेगा कि अगर हाथ पहले आप इस्तीफा कहने के लिए तैयार हूँ इस्तीफा मांगेंगे, पहले आप मणिपुर उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दे दीजिए, हम उनको ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन करके उनसे इस्तीफा लेंगे। कठुआ के जो नेता थे भाजपा के जो निकाल रहे थे, हम लोगों ने उनको निकाल दिया, कांग्रेस ने अपने यहाँ उनको लाकर टिकट दिया और अभी चुनाव लड़े थे लाल सिंह, रमन्ना जैसे आदमी 3000 के फर्मा बरदान, माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करते हैं जो 3000 के साथ रेप किया और यहाँ आकर चिल्लाकर अपनी बातों को, स्वामीनाथ जी सुन लीजिए पहले, स्वामीनाथ जी सुन लीजिए पहले, बड़े ध्यान से धैर्य से सुना मैंने इनकी बातों को, लेकिन लगातार ये बोलते जाएंगे स्वामीनाथ जी, अगर हिम्मत हो स्वामीनाथ जायसवाल जी इस्तीफा मांगिए ममता बनर्जी से, क्यों पिछलग्गू बने हैं, आइए आगे, जिस तरीके से हाथरस में आप लोगों ने पिकनिक मनाया वहां भी जाइए, आपके नेता का ट्वीट नहीं आ रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा कहां गई, लेकिन नहीं लड़की के लिए नहीं बोलेंगी, वहां बोल देंगी तो ममता बनर्जी जी नाराज हो जाएंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, जितनी ताकत हो ममता बनर्जी लगाएं, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, लेकिन आज छात्रों को जिस तरीके से पीटा गया उसके लिए देश माफ नहीं करेगा, वो अपराधी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, वो छात्र थे, महिलाएं थी लड़कियां थी, जिस तरीके से आज पीटा गया वो देश माफ नहीं करेगा, और नैतिकता अगर कहीं 1% भी बची हो ममता बनर्जी में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है इंदुकान दीक्षित जी, सियासी दलों को तो आप देख ही रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी करवा रही है, बीजेपी वहां सरकार को अस्थिर करना चाहती है, इस मुद्दे का फायदा उठा रही है सियासी फायदा, कल बीजेपी ने बंद बुलाया है जिसको ममता सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है, यानी कल एक बार फिर इस पर बड़ा बवाल होने वाला है। आपको लगता है कि ये जो है जितने भी अपराध हैं अब इंडिया बनाम एनडीए होते जा रहे हैं पूरा? बिल्कुल नवीन जी, कोशिश उसी की जा रही है, लेकिन इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो दबना नहीं चाहिए, और मुख्य विपक्षी के नाते पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है, वहां के अन्य विपक्षी दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, और इसी प्रकार जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे भी अगर इस ढंग की घटनाएं होती हैं तो पार्टी के नाते भाजपा और अन्य विपक्षी दलों को भी जनता के हित की बात उठानी चाहिए, सरकार के खिलाफ जनता के साथ राजनेताओं को खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर रवीन जी दिख रहा है कि मुद्दे से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण हो गई है, मुद्दे पर जो डॉक्टरों का मामला है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए
वर्क प्लेस पे खास तौर से आजादी के बाद आज 77 साल हो गए, लेकिन अब तक भी कोई पुष्ट कानून नहीं बना। और तो और शिक्षा प्रणाली में महिलाओं के प्रति इस ढंग की विभत्स मानसिकता, किस तरह से महिलाओं को देखा जा रहा है सिर्फ एक यौन खिलौने के तौर पर, इसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास करने की कोशिश, मैं तमाम चैनल्स को, तमाम मीडिया हाउसेस में, अखबारों में देख रहा हूं, सिर्फ बस इसी बात पे पक्ष और सत्ता पक्ष विपक्ष पे हो रही है कि हमारे राज्य में ज्यादा घटना, आपके राज्य में कम घटना, जबकि होना यह चाहिए कि इसको मिलकर कैसे खत्म करें, ये पूरे देश के लिए किस तरह से कलंक का टीका है। जी ठीक है, नरेंद्र कुमार जी टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। नरेंद्र कुमार जी, जिस तरह से घटना होती है बंगाल में, आखिरकार कितनी बेशर्मी के साथ आप लोग कह देते हैं कि आम लोग सड़कों पर नहीं थे, बीजेपी के लोग आए हुए थे। आप जो वीडियो आए हैं आज लगातार दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे आम लोग भी हैं, गांवों से लोग वहां पहुंचे हुए थे, एक बड़े आंदोलन को आप लोग किस तरह से जो है खारिज कर रहे हैं, ये जताता है कि आपका दो मुहा चेहरा है। ममता बनर्जी 13 फरवरी को ट्वीट करती हैं जब किसान आंदोलन चलता है और कहती है मैं दिल्ली मार्च में शामिल होंगी, वहां जो है बीजेपी की केंद्र सरकार जो है उनका दमन कर रही है, और आज जब आपके बंगाल में दमन होता है तो आप लोग उसको जो है सियासी मुद्दा पलट देते हैं, क्या कहेंगे इस पे? हमारे तीखे सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है टीएमसी के नेता, फोन काट के चले गए हैं। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप इनके सहयोगी हैं, आप इनका जवाब दे दीजिए। देखिए नवीन भाई, जवाब यही है कि किसी भी शासन में, कहीं किसी सत्ते में गोद में बैठाकर अपराधियों को नहीं पालना चाहिए, और बंगाल की घटना बहुत शर्मनाक है। इसमें जो भी इंटरफेयर करे, या सत्ता में बैठे हुए लोग हों या सत्ता के बाहर के लोग, उनको दंडित करना, और सीबीआई इस पे जांच कर रही है। सीबीआई केंद्र का जिस तरह सबसे बड़ा हथियार है, और जब सीबीआई जांच कर रही है तो इस तरह का उदंड काम तो भाजपा करती है, अपने प्रदेश में नहीं करती है। अपने प्रदेश में तो उन चुप्पी साध लेती है कि उनके, यानी उनके यहाँ हो रहा है तो होने दो। ममता बनर्जी को इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं से इस्तीफा क्यों नहीं मांगे आज तक ये लोग? ममता बनर्जी को सहयोग में साथ देना चाहिए। ममता बनर्जी को जिस तरह से छात्र भी उग्रेसित होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पे कर रहे हैं, वहां का लैंड एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, तो उग्र से नहीं होता है। आप पहले उस अपराधी को दंड देने के लिए उसको फांसी चढ़वाइए, चौराहे पर चढ़वाइए। जिस तरह का घटना घटा है, ऐसा घटना कभी ना घटे, इसका डिमांड करना चाहिए। लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के लोग अपने राज्यों में राजनीति, इनके 12 राज्यों में इससे बड़ा घटना घटा है। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, आप बार बार एक ही बार कह रहे हैं इनके राज्यों में घटना घटा है। क्यों नहीं बोलेंगे भाई नवीन जी? सुन लीजिए पहले पूरी बात, सुन लीजिए, आप समझने को तैयार नहीं है। जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, दिल्ली में आपकी सरकार थी और लगातार आंदोलन चले थे और सरकार ने आंदोलन चलने दिया, उसके जगह मुहैया कराई, लोग जो गुस्सा था चलने देते थे। नाना हजारे आके इतना दिन आंदोलन किए, हम लोग किसी को उठवा कर पत्थर, किसी को पानी करो नहीं। आप बात तो पूरी सुन लीजिए, मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ, आतंकवादी, हत्यारा, बलात्कारी, मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ स्वामीनाथ जी, दूसरों को बोलने दीजिए। आखिरकार जब आंदोलन हुए, एक एक महीना आंदोलन चला, पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, गुस्से का जो इजहार था वो करने दिया बाकायदे, और बंगाल में जब आप गुस्से का इजहार हो रहा है, जब वहां स्टूडेंट निकल रहे हैं, आम लोग आ रहे हैं, तो आखिरकार उनको जगह क्यों नहीं मिलनी चाहिए अपनी आवाज रखने के लिए? उन पे लाठीचार्ज क्यों होना चाहिए? सीधा सवाल हमारा ये है। गुस्सा ठीक है, लेकिन राजनीति हो रही है तो अपने प्रदेश पर, मैं बोला जिसका घर शीशे का होता दूसरे पर नहीं, आपके घर में छलनी छेद है, दूसरे सूप पे सवाल उठा रहे हैं, हजारों छेद आपके है। ठीक है, उसके लिए जस्टिस आप ही लोग, सीबीआई जांच चल रहा है, सीबीआई से बड़ा आप क्या जांच होगा? जो अपराधी उनको फांसी चढ़ाना चाहिए, निर्भया में भी फांसी चढ़ा, इसमें भी फांसी होना चाहिए, वो बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए? स्वामीनाथ जी, आप समझने को तैयार नहीं है। स्वामीनाथ जी पूरी बात सुन लीजिए, या तो पूरी बताइए, वहां पर जो आम जनता है, फांसी के अलावा और क्या होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए, जो घटना हुई उसको लेके फांसी होना चाहिए, वो जांच चल रही है, और जांच हुए बिना फांसी होती नहीं है, ये तो कैजुअल बात है, सड़क पर खड़े होकर फांसी दे दीजिए, ये कोई तालिबान का शासन नहीं है, तालिबान का शासन नहीं है, यहाँ जांच होगी और जांच में साबित होगा और कोर्ट फांसी देगी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, ये सब जानते हैं, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए पूरी बात को बाधक होगा उसके खिलाफ होगा, बात को पूरी सुन लीजिए, बात करने दीजिए, सरकार इंटरफेयर बचा रही है तो उसको भी इस्तीफा, सरकार ने वहां पर जो लापरवाहियां बरती हैं, सरकार ने उस वहां के जो प्रिंसिपल है उनको अधिकार दिए थे, जो पुलिस ने जो आरोपी को इतने अधिकार दे रखे थे, लोग उससे नाराज हैं, दोबारा घटनाएं फिर होंगी, इसका विरोध कर रहे हैं लोग, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए घटना घटी है, जांच हो रहा है, सब दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा, और घटना ऐसा ये बहुत बड़ा घटना है, बंगाल में नहीं पूरे देश में जहां जहां इस तरह का घटना हो रहा है, यह दयनीय घटना है, बहन बेटियों के साथ जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाता है, बेटियों के अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही जाती है, समानता का अधिकार देने की बात कही जाती है, जिस तरह से बिल लाया गया महिला का और उसके बाद उसका उसका सुरक्षा ही नहीं है इस देश में, और आज देख लीजिए आंकड़ा उठाकर एनसीआरबी का देख लीजिए पूरे देश में कहां सबसे ज्यादा रोज रेप हो रहा है, बहन बेटियों के साथ रोज दुराचार हो रहा है, और कौन संलग्न रह रहा है, सबको फांसी होना चाहिए, 10-15-20 लगातार फांसी हो तो उसके बाद पता चलेगा, डर बैठेगा लोगों के अंदर कि एक आपने 60 साल सरकार चलाई कहा है ना, इतनी फांसी दे दी आप लोगों ने, फांसी ऐसे मिलती है किसी को क्या, इंदुकांत दीक्षित साहब इनको समझाइए कि देश में कानून व्यवस्था है, फांसी होना चाहिए, तो क्यों नहीं आप लोगों ने ऐसा कानून बनाया कि 60 साल में तो उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होती है तो उसके उसका एक प्रोसीजर है ना, कि जो इस अपराध में बहन बेटियों के साथ दुराचार करता है चाहे कितना पद पर बैठा हो चाहे कितना प्रतिष्ठा वाला हो उसको फांसी हो, ताकि डर लोगों के अंदर बैठे कि इस तरह का घटना करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। इंदुकांत दीक्षित साहब जिस तरह से कैजुअल बातें कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, आपको साफ समझ में आ रहा है कि फांसी देने का एक तरीका है, जांच होगी, जांच के सबूत जुटाए जाएंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और भारत का जो जो न्यायालय कहता है उसको भी प्रभावित किया जाता है, जो जांच होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता है, जेल से बाहर आ जाते हैं, मोच दिखाते हुए निकलते हैं, बिल्कुल होता है, आपकी बात सही है, लेकिन तालिबान का शासन नहीं चल सकता ना। इंदुकांत जी बोलिए, ठीक है स्वामीनाथ जी, शांत स्वामीनाथ जी, ठीक है आपकी बात आ गई है, बोलिए इंदुकांत जी। देखिए नवीन जी, मुख्य बात यह है कि जो इस तरह की घटनाएं होती है वो समाज में इसीलिए पलती बढ़ती है क्योंकि समाज में लोग इस तरह से उसके बारे में एकजुट होकर के बात नहीं करते हैं। जब समाज एकजुट होकर के बात करेगा और करेगा कि ऐसे लोगों के साथ न कोई सामाजिक संबंध रखना है, उनका पूरा सामाजिक बहिष्कार होगा, न उनकी बातों को कोई तवज्जो देगा, कल को उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देगी। लेकिन यहाँ तो आपने देखा है कि किस तरह से अमर मणि त्रिपाठी का मामला उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे उस समय, इतने घिनौने आरोप के बाद उनको टिकट मिलता था और वो चुनाव जीत के आते थे। तो जब इस तरह की राजनीति देश में चलती रहेगी तो इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। जो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद जी वो बिल्कुल ठीक कह रहे स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी की बात ठीक है, लेकिन उसको लागू करने के लिए उनकी पार्टी ने देश में आजादी के बाद से क्या किया? होना ये चाहिए कि अगर एग्जाम्पलरी इस तरह की सजा इस तरह के आरोपियों को मिले और कम से कम समय में, मिसाल के तौर पर जो स्वामी नाथ जी कह रहे हैं कि आज ये घटना हुई 8 अगस्त को कलकत्ता में और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी सारी एजेंसीज मिल करके एक सुर से इसकी निंदा करें और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय जुट कर करके अपराधी के खिलाफ जितने भी सबूत एकत्रित करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करके और पुलिस प्रशासन भी अपनी खाल बचाने के लिए उस मामले को रफा दफा करने के काम प्रयास बंद करके अपराधी को पकड़े और सजा दिलवाए। और कोर्ट भी हमारे देश में नवीन जी आप देखेंगे लेक्चरिंग ज्यादा आजकल होती है सिवाय इसके कि उसका किस तरह से यथाशीघ्र सुनवाई करके सजा दी जाए। अगर ऐसे मामलों में 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में सजा होने लगे
और फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडेंसी में न डाला जाए, उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए, तो ये फिर जो कहते हैं कि डेटरिंग इंपैक्ट सोसाइटी में पड़ेगा। लेकिन आज घटना इतनी बड़ी होती है और 25 साल बाद अगर किसी को लटकाया जाए तो जनता को पता भी नहीं होता कि किस मामले में उसको फांसी दी जा रही है, और फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पे कई संगठन खड़े हो जाते हैं कि नहीं फांसी नहीं, इसको आजीवन कारावास दिया जाए। आप बताएं कि अगर आज इस व्यक्ति को फांसी पे लटकाया जाए 2 से 3 महीने के भीतर, तो किसी की हिम्मत होगी इसके पक्ष में खड़े होने की इसको फांसी न दी जाए? लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए प्रयास न करके जिस तरह से स्वामीनाथ जी सिर्फ लगातार बंगाल सरकार को बचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं, ये स्पष्ट इससे है कि आने वाले समय में संभव है कि जो भी आधार बचा हुआ भी है कांग्रेस का वेस्ट बंगाल में, शायद अगले चुनाव में देखने को न मिले। जी, इस घटना के 2 पक्ष हैं अश्विनी साई जी। एक पक्ष तो ये है जो जो घिनौनी वारदात हुई है उसकी जांच चल रही है, दूसरा पक्ष ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसका सबक लेते हुए इस घटना में जो लापरवाहियां की गई हैं सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिन लोगों को इतनी छूट दी गई है उन पर जनता आक्रोशित है, सड़क पर उतर रही है, ये बात जो है नज़रअंदाज की जा रही है बार बार, जो है उस घटना को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि फौरन न्याय हो और फौरन इंसाफ मिले, ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, लेकिन दूसरी जो लापरवाही है उस पर क्या कहिएगा? देखिए नवीन जी, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का मामला है। अब एक उदाहरण से आपको इस बताता हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं पर कोई घटना होती है इस तरीके की, तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके घर पे बुलडोजर चलता है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उस पर सवाल खड़ा करती है। कल की घटना है, एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश एक बदमाश सलमान ने किया, यूपी पुलिस ने दौड़ा कर उसका एनकाउंटर किया और पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार किया। ये तुरंत तुरंत सजा की बात है। मोईद अयोध्या का ही जो घटना हुई उस पर उसको गिरफ्तारी के बाद उसका घर गिराया गया, और अखिलेश यादव जी लड़की को जो पीड़िता है उसी के ऊपर सवाल करके उसके डीएनए टेस्ट की मांग करने लगते हैं। तो ये जब तक दोहरी मानसिकता नहीं खत्म होगी, हाथरस की घटना हो, अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो, बंगाल की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, सभी घटनाएं दुखद हैं और सब में इंसाफ होना चाहिए और न्यायपालिका काम कर रही है। लेकिन ये लोग खड़े क्यों हो जाते हैं? विक्टिम के साथ खड़े न होने के बजाय अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं। आज मैंने पहले भी कहा कि हाथरस में तो लोग पिकनिक मनाने चले गए, बंगाल कौन गया? एक ट्वीट नहीं किया गया कांग्रेस और सपा के नेताओं के द्वारा। क्या ये लोग करेंगे? ये लोग सिर्फ गिनाएंगे कि वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, तो इसका मतलब कि ये भी सही है, वो गलत हुआ तो बंगाल भी सही है। इन लोगों की मानसिकता ये है, और जब तक ये विकृत मानसिकता इन लोगों की रहेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और अपराधी इन लोगों के यहां पनाह मांगते रहेंगे। अब मैं आज की घटना बताता हूं। देश के एक बड़े जो लेखक हैं, फिल्मकार हैं, उन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। फरुखाबाद में 2 लड़कियां लटका कर आत्महत्या कर लेती हैं, अब क्या है उसकी जांच हो रही है, उसको उन्होंने लिया और बदायूं की घटना लिया। उन्होंने कहा कि उस समय मीडिया नहीं चिल्ला रही थी, अखिलेश यादव का विरोध कर रही थी, आज मीडिया कुछ नहीं बोल रही है। मैंने उनको तुरंत जवाब दिया कि उस समय माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाया करती थी, और आज का मुख्यमंत्री है तुरंत सजा देता है, लड़कियों से गलती हो जाती नहीं बोलता है। गायत्री प्रजापति बलात्कारी सजा होने के बाद अखिलेश यादव कहते हैं उसके साथ अन्याय हो गया है। ये तो मानसिकता है इन लोगों की, ये जब तक रहेगा। और अभी देखिए आपका डिबेट जब से शुरू हुआ है स्वामी जायसवाल जी लगातार बोल रहे हैं और ममता बनर्जी जी को सही साबित करने के लिए ढाल बन रहे हैं। उनको एक बार भी नैतिकता होती अगर कांग्रेस के अंदर तो स्वामी जायसवाल जी इस्तीफे की मांग करते। इनसे बेहतर इनके नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने छोड़ दिया है उनको लग रहा है। लेकिन आज देश में बलात्कार की घटनाएं जो हो रही हैं इसको रोकना
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, जिस तरीके से पोस्को एक्ट में सजाएं हो रही हैं, पूरे देश में करना चाहिए और करना पड़ेगा। लेकिन अश्विनी साय जी, आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं घटना को लेकर, आखिरकार बंद आपने कल बुलाया है, वो क्यों बुलाया? हम विरोधी दल हैं, हम तो वहां पर विरोध करेंगे ही करेंगे। हमने बंद बुलाया है, हम देख रहे हैं वहां की आम जनता जिस तरीके से आक्रोशित है, तो हम तो विरोधी दल हैं वहां, वहां की सरकार की नाकामियों को बताना हमारा काम है। ठीक है, देश में इतने बेहतर काम हो रहे हैं, उसके बाद ये लोग विरोधी दल अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, महिला अपराध जो संगीन विषय पर भी जो है राजनीति बिल्कुल चरम पर है, आखिरकार कोई भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता सियासी फायदा उठाने का। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राष्ट्र धर्म में आज इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।